दोस्तों दुबई के टूर के बाद हम पहुंच गए 3 दिन के लिए अबू धाबी में। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है और यहाँ पे भी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी हैं और घूमने के लिए काफी सारे एरिया। तो नेक्स्ट डे 3 दिन हमारे बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये हमारा है कॉर्निश होटल और ये एक 5-स्टार प्रॉपर्टी है जो कि बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे 3 दिन रुके थे और हमें जो लगभग हमारा जो एकोमोडेशन पड़ा था वो पड़ा था 23,000 का 3 डेज का। तो ये 5-स्टार होटल है। तो दोस्तों 5-स्टार होटल के हिसाब से हमें सारी फैसिलिटी मिली थी। इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत अच्छी सर्विस थी और बहुत ही बढ़िया होटल। आप देख ही रहोगे इसका इंटीरियर बहुत अच्छा और इसका लॉबी एरिया तो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ट्रेवल डेक्स है और आगे आप चलोगे तो सारा सेटिंग एरिया है। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा होटल लगा मुझे और बहुत कंफर्टेबल लगा। दूसरा यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। दूसरा ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो भी स्टाफ है इनका बहुत हेल्पफुल स्टाफ है। तो हमारा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें सी व्यू रूम मिल गया था, जूनियर सी व्यू रूम जो कि हमारा अपग्रेड करके मिला था, जो कि मैं लेना चाहती थी बट मुझसे बुक नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बुक था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमारा यहाँ पे हमारा रूम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपग्रेड कर दिया था, तो बहुत सही पड़ गया था हमारा रूम। तो ये इस होटल का जो पूरा आपको व्यू है वो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पूरा बता चुकी हूँ। आप मेरे पुराने वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो कॉर्निश होटल के नाम से जो वीडियो मैंने बनाया उसमें पूरी कॉर्निश होटल की डिटेल्स है। तो कुछ ऐसा देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये इनका सेपरेट लिफ्ट एरिया है। लिफ्ट एरिया में भी आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको कार्ड नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अब अगर आप किसी भी फ्लोर पे जा रहे हो आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब रूम की यूज करनी पड़ेगी, देन आप जा सकते हो। देखो यहाँ से भी ना होटल का व्यू कितना अच्छा लगा। ये एग्जिट गेट है सामने जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये इनकी लिफ्ट है जो कि बड़ी ही आलीशान है, आप देख ही रहोगे। जियाना का तो बहुत ही मजा आ रहा था लिफ्ट में कूदने में और चारों तरफ शीशे को निहारने में, बटन प्रेस करने में, तो बच्चे माहिर होते हैं तो बड़ा सही था। ये देखो मैंने अपनी की लगाई है जो कि मुझे मेरे फ्लोर तक लेके जाएगी। तो 8th फ्लोर हमारा फ्लोर था और हम कुछ बाहर से शॉपिंग करके ही आ रहे थे। तो अब देख लो हमारे हाथ में कुछ कुछ सामान भी है और हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो ये कुछ मिनटों में ही इनकी लिफ्ट बड़ी हाइट अप होती है, कुछ मिनट में ही हम ऊपर पहुँच जाते हैं। तो बस दोस्तों आ गया हमारा फ्लोर और हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ना सेंसर लगे हुए थे कि आपके कदमों की आहट से ही यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती है। तो ये हमारा रूम है और 8th फ्लोर पे है जो कि, और हम अब एंट्री करने जा रहे हैं। जियाना बहुत मस्ती कर रही है यहाँ पे। जियाना लाइट ऑन हो जाओ, लाइट ऑन हो जाओ वाला बोल रही है। और ये है हमारा रूम, बहुत कम्फर्टेबल था। 3 दिन हम यहीं पर रुके थे और सर्विस तो सारी जूनियर स्वीट्स के हिसाब से हमें मिल रही थी। और ये हमारा सी व्यू रूम है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो आगे अगर आप देखोगे तो ये इनका स्विमिंग पूल है, मतलब इनका क्लब एरिया। यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल, सोना और स्टीम बाथ और स्पा, मतलब कई सारी चीज़ें। स्पा इनका चार्जेबल था, बाकी चीज़ें इनकी फ्री थी, जिम वगैरह, और सब कुछ बहुत हाईटेक और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। देन इसके बाद हम अगले दिन निकल चुके WB World के लिए। तो आप देख ही रहे हो WB World बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे बच्चे से लेके बड़ा सा भी सबका बचपना निकल आता है। तो सबसे पहले हमने किड सेक्शन को एक्सप्लोर किया था क्योंकि जियाना हमारे साथ थी, तो सबसे पहले हम जियाना को अच्छे से खिलाना चाहते थे। दोस्तों जियाना ने तो यहाँ पे बहुत मस्ती की और काफी लंबा टाइम स्पेंड किया था हमने यहाँ पे। बहुत ही हमने बड़ों से लेके छोटे तक सबकी राइड्स की है और बहुत मजे किए। और साथ में यहाँ पे हमें ना स्कूबीडू और टॉम एंड जेरी वगैरह की बड़ी सारी राइड्स थी और बड़ी सारी और यहाँ पे आप देख ही रहो कि हमारी स्कूबीडू की पूरी फैमिली के साथ पिक्चर्स हो रखी है। यहाँ पे बड़े सारे सुपर हीरो भी मिले थे जिनसे हमने बातें भी की थी और फोटोग्राफी वगैरह करवाई थी, जो की बड़ी सही लग रही थी और बड़ी अच्छी फोटो आ रही थी यार इनके साथ। और ये बड़े अच्छे से हमें अच्छा फील करा रहे थे। देन उसके बाद हम वापस होटल आ गए, हमने अपना इंग्लिश फूड इंजॉय किया और थोड़ी देर बाद हम निकल गए अबू धाबी की सिटी की तरफ। तो अबू धाबी की ये सिटी मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, सड़कें हैं। पैदल चलने वालों को यहाँ पे पहले रेफरेंस दी जाती है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब दूर से ही गाड़ी रोक ली बंदे ने, पहले आप जो बड़ा अच्छा फील कराया जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, हो सकता है पॉपुलेशन की वजह से, बट स्टिल बहुत अच्छा
रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो ये हमारा पूरा जो था वो डे वन था, जो हमने डब्ल्यू बी वर्ल्ड और सिटी को थोड़ा बहुत नाइट में एक्सप्लोर किया था। आप देख ही रहे हो मेरे बैकग्राउंड में क्या मस्त व्यू है, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। देन हम घूमते घूमते रोड को नापते नापते पहुंच चुके हैं एक सुपर मार्केट की तरफ। तो सुपर मार्केट में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सामान मिल रहा था, और शॉपिंग करने वाले गिफ्ट खरीदने वालों के लिए मतलब काफ़ी अच्छा सामान था और काफ़ी अच्छे रेट में था। तो आप अगर जैसे आबू धाबी घूमने जाते हो तो आप यहाँ पे सुपर मार्केट में, जो भी इनकी सुपर मार्केट होती है, तो वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो रोज़मर्रा से लेके गिफ्ट आइटम हर चीज़ ही था। चाहो तो आप बाहर से भी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन सुपर मार्केट में आपको सारा कलेक्शन एक ही जगह पर मिल जाएगा, तो ये बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट डे दोस्तों हम निकल चुके थे यास वाटर वर्ल्ड के लिए। तो यास वाटर वर्ल्ड भी बड़ा सही एरिया है, बहुत मज़ा आया। सबसे पहले हम बच्चों वाले सेक्शन में गए और जियाना को खूब अच्छे से बहुत ही मज़ा कराया हमने, पानी वाले सारे स्पोर्ट्स कराए, स्लाइडिंग कराई, तो हमने भी साथ में उसके साथ एंजॉय किया। थोड़ी देर तक तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, लेकिन बाद में मैंने उठा के फ़ोन रख दिया था, क्योंकि हमें भी एंजॉय करना था, क्योंकि ये पल्स कभी नहीं आते। तो ये इन्होंने सी वेव्स वाला वो बना रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी वेव्स आती हैं। और क्या खा रहे हो? चिकन खा रहे हो? हम तो पिज्जा खा रहे हैं, यम्मी पिज्जा। पापा कैसा पिज्जा? चीकू खा रही है चिकन फ्राइज। तो दोस्तों यास वाटर वर्ल्ड में मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर कर ली थी अपने मोबाइल के अपने वीडियो में। तो आप देख रहे हो ये फ्लैश है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग वाला था। हालांकि मुझे भी करने का मन था, बट मैंने पेट काफ़ी भर लिया था पिज्ज़ा खा के, तो मैंने ये राइड छोड़ दी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा अच्छा लग रहा है, यास वाटर वर्ल्ड इंजॉय कर रहे हो? हाँ। और आपको कैसा लग रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत वाटर स्पोर्ट किए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा पानी वाले झूले थे और पानी वाले स्लाइडिंग थी, मैंने बहुत मज़े किए। तो ये वहाँ के एग्जिट होने का व्यू है, ये देखो बोट लगी हुई है नीचे, एक सुंदर सा फ्लाई वो बना रखा है, ब्रिज बना रखा है और बोट्स वगैरह रखी हैं, और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का कि आए और हम जाए अपने होटल। देन उसके बाद हमने बाहर का खाना एक्सप्लोर किया। ये जो बाहर का खाना एक्सप्लोर किया था ये मैंने लास्ट डे वाले दिन किया था। तो बस दिन में हमने तो पूरे होटल के बहुत मज़े किए, मतलब स्विमिंग वगैरह की। देन शाम को हम निकल गए डिनर के लिए बाहर। तो हमने डिनर हमने बाहर से किया था, और ये हमें ना अलग के लिए एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया था हमारे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे, भावना रेस्टोरेंट। तो ये भी बड़ा सही रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट से तो हम बाहर आ गए, लेकिन बाहर देखो ये ये गोलगप्पों की लाइन लगी हुई है। मतलब गोलगप्पों की लाइन यहाँ पे भी लगती है, बट सही है यार, अच्छा है रेस्टोरेंट, खाना पीना भी अच्छा है, और मतलब सब कुछ ही बढ़िया है। और समोसे समोसे हमारे वाले समोसे भी मिल रहे थे। तो दोस्तों 10:30 हो गया, तो अब हम निकलने वाले हैं, हमारे बैग वगैरह सब रेडी हैं। तो बस दोस्तों अब कॉर्निश होटल को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, तो हमने बैग वगैरह सब अपने रेडी कर लिए हैं, और बस अब हम निकल रहे हैं कॉर्निश होटल से। बहुत मजे दिलाए कॉर्निश होटल ने हमें, थैंक यू कॉर्निश। बाय बाय। तो दोस्तों अबू धाबी के एयरपोर्ट पे हम आ गए, और उसके बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट की कुछ सुंदर सुंदर चीजें देख देख के अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बना है ये, न्यू एयरपोर्ट बना है और बहुत सुंदर बना रखा है, काफी अच्छा। गिफ्ट आइटम यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइनर बॉटल्स होती है परफ्यूम की और ड्रेसेस वगैरह होते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर मार्केट से ना लेकर के अगर यहाँ पर लेते हैं तो आपको ये काफी कॉस्टली पड़ सकता है, बट लेने वाले लेते भी हैं और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं। तो बस हम यहाँ कुछ कुछ चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते गए, और ये एयरपोर्ट का लुक है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है फ्लाइट के अंदर जाने का। बस ऐसे ही दोस्तों खाते मुस्कुराते अब हम पहुंच गए प्लेन के अंदर, और प्लेन में प्लेन हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब जा रहे हैं अपने इंडिया की तरफ। तो दिल्ली की तरफ फ्लाइट हमारी कूच हो चुकी है, तो आप देख रहे हो अंधेरे को चीरता हुआ ये जहाज जा रहा है रोशनी की तरफ। तो दोस्तों आपको ये अबू धाबी का वीडियो कैसा लगा इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।